दोस्तों जब मैट्रेस परचेस करने जाते हैं तो दो ब्रांड नेम है वो आपके दिमाग में आएंगे, एक है स्लीपवेल यानी कि सीला फोम और दूसरा है करलोन। दोस्तों इंडिया का जो ऑर्गेनाइज मैट्रेस का जो मार्केट है उसके अंदर स्लीपवेल और करलोन ये दोनों ब्रांड का जो मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर है ये दोनों कंपनी के पास। दोस्तों इंडिया की जो मैट्रेस इंडस्ट्री है वो है ऑलमोस्ट 15,000 to 17,000 करोड़ रुपीस की, उनमें से 65% जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है यानी कि जो कॉटन के मैट्रेस आते हैं, जो लोकली मैट्रेस बिकते हैं वो, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है बाकी का जो हिस्सा ऑर्गेनाइज सेक्टर का है उसके अंदर 50% मार्केट शेयर ये दोनों ब्रांड के पास है, स्लीपवेल और करलोन के पास। और दोस्तों सीला फोम यानी कि स्लीपवेल इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी है। और दोस्तों ऐसे न्यूज़ है और प्रिडिक्शन है कि सीला फोम लिमिटेड करलोन को एक्वायर करने जा रही है। अभी ये डील हुई नहीं है मगर चांसेस है कि करलोन को सीला फोम लिमिटेड एक्वायर कर ले ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ रुपीज़ में। अगर ये डील होती है तो दोस्तों सीला फोम लिमिटेड के पास इंडिया की जो ऑर्गेनाइज मैट्रेस इंडस्ट्री है उसका 50% हिस्सा आ जाएगा यानी कि सीला फोम लिमिटेड वैसे देखें तो एशिया के अंदर टॉप ब्रांड के अंदर आ जाएगी और टॉप मार्केट शेयर के अंदर आ जाएगी। दोस्तों करलोन का ब्रांड नेम देखें तो बड़ा ब्रांड नेम है, करलोन के पास 10,000+ डीलर्स है पैन इंडिया, ऑल इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 72 के आसपास उसके आउटलेट्स वगैरह है और 9 के आसपास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑल इंडिया में बने हुए हैं। तो करलोन का जो ब्रांड नेम है और जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से अगर देखें तो सीला फोम अगर करलोन को एक्वायर करती है तो सीला फोम के लिए वैसे बेनिफिट वाली ही बात होगी क्योंकि ऑलमोस्ट सीला फोम यानी कि स्लीपवेल की जो सबसे कॉम्पिटिटर है वो करलोन ही है। तो अगर सीला फोम करलोन को ही परचेज कर लेती है, एक्वायर कर लेती है तो सीला फोम के सामने जो कॉम्पिटिशन थी वो बहुत ज़्यादा घटने वाली है क्योंकि ऑलमोस्ट अगर इंडिया की मैट्रेस इंडस्ट्री में अभी देखें तो बहुत सारी कंपनियां यानी कि ड्यूरोफ्लेक्स है, स्प्रिंगवेल हो गई, द स्लिप कंपनी है, वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं इस ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। तो आने वाले टाइम के अंदर कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ने वाली है। वैसे दोस्तों देखें तो करलोन को एक्वायर करने के लिए सीला फोम लिमिटेड, वेल्सपन और दो तीन कंपनियां जो बड़े ब्रांड नेम वाली कंपनियां हैं वो भी कतार में लगी हुई है, देखते हैं कौन सी कंपनी करलोन को एक्वायर करती है। दोस्तों अगर सीला फोम यानी कि स्लीपवेल करलोन को एक्वायर करती है तो ये डील होगी मैट्रेस इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया की मैट्रेस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी डील होगी।